देश में बढ़ते तापमान के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं और तो और भीषण गर्मी में पड़ा लोकसभा चुनाव नेताओं को भी पानी पिला रहा है। इसका एक नजारा कांग्रेस नेता राहुल गांधी की रैली में देखने को मिला, जब उन्होंने पानी से भरी बोतल अपने सिर में उड़ेल ली। पहले ये वीडियो देखिए। आप उनकी शादी दिखाओ, हम अपना काम करेंगे। हमारा काम गरीबों के बैंक अकाउंट में, किसानों के बैंक अकाउंट में, महिलाओं के बैंक अकाउंट में हिंदुस्तान का धन डालने का है। हम उस काम को पूरा करेंगे। भाई और बहनों, किसानों का कर्जा माफ होगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस कानूनी मिलेगी, मनरेगा में आज 250 रुपए मिलते हैं, 400 रुपए मिलेंगे, और आशा और आंगनवाड़ी की जो महिलाएं हैं, जितनी भी उनकी आज आमदनी है उसको हम डबल कर देंगे। आखिरी बात, नरेंद्र मोदी ने बेरोजगारी फैलाई, उत्तर प्रदेश के युवाओं को चोट पहुंचाई। आपसे कहा, युवाओं नाली के ओर जाओ, नाली में पाइप डालो, नाली में से गैस निकलेगी, पाइप को चूल्हे में लगाओ और पकौड़े बनाओ। और उसके बाद कहते हैं, परमात्मा ने कहा है कि मैं हिंदुस्तान के युवाओं को नाली के गैस से पकौड़े पकाना सिखाऊं। आपको बेरोजगार बनाया, 30 लाख सरकारी नौकरियां इंडिया गठबंधन के आते ही आपके हवाले कर देंगे। बेरोजगार युवाओं के बैंक अकाउंट में, गर्मी है काफी, बेरोजगार युवाओं के बैंक अकाउंट में, बेरोजगार युवाओं के बैंक अकाउंट में महीने के 8,500 रुपए, साल के 1,00,000 रुपए कटाकट कटाकट कटाकट, पहली नौकरी पक्की स्कीम में। दरअसल राहुल गांधी उत्तर प्रदेश के देवरिया में एक रैली को संबोधित कर रहे थे। भाषण देते हुए राहुल गांधी पानी पीने लगे और तभी बोले, गर्मी काफी हो गई है। इसके बाद उन्होंने पूरी बोतल अपने सिर में उड़ेल ली। गर्मी है काफी,